ओके गाइस, तो फाइनली मैं आ चुका हूँ राजस्थान से वापस, दर्शन करके खाटू श्याम जी और सारा सर बालाजी के। ये धीरे धीरे हाई कर दो व्यूअर्स को, आपके फ़ैन है लोग, ऐसे हल्की बात मत लेना। अब दो दिन में आया हूँ बाहर से, फिर भी मेरी माँ फ़ोन में लगी हुई है। नो, क्यों रख रही हो, क्यों रख रही हो, क्यों रख रही हो? मतलब आपको अपने लौंडे की याद नहीं है ये दो दिन? याद क्यों ना दी, परंतु आया तो फ्रेश फ्रेश हो रहा है, मैं क्या करूँ। तो मैं तो सामने खड़ा हूँ, व्लॉग भी बना रहा हूँ, जब भी नहीं, क्या हाल है, कैसा है, ऐसे नहीं होता, देख रहे हो। अरे इन फोनों ने घर खराब कर रखे हैं भैया। अरे मैं बाल कैसे लग रहे हैं, बाल में नहीं आ रहे अभी, कुछ भी नहीं किया, कॉम कर लिया सीधा और ऐसे चिपका लिया, तो प्लीज डोंट माइंड मेरी खूबसूरती पे शक मत करना, मैं आज भी उतने ही डैशिंग और स्मार्ट हूँ। तो हमारा ना एक ग्रुप है, हम लोग साथ ही जाते हैं हमेशा, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है टुर्रू, तो उसका तो आपने, जब मैं था घूम रहे थे हम लोग, दर्शन कर रहे थे, मैंने और पार्थ बोल रहे थे कि टुर्रू ही कहता है मेरे भाई। तो मम्मी आपको कैसा लगा, मैं दो दिन नहीं था यहाँ पे, कैसे मेरी याद आई? बहुत बुरा याद आई मेरी। और याद नहीं आई, घर में थे कितने सदस्य, याद नहीं आएगी? ये थे तो सही, एक सदस्य 10 के बराबर है। ये सदस्य इतना नहीं बोलता, कम बोलता है। क्यों, ढूंढना है क्या? ढूंढना नहीं है, ये थोड़ा कम बोलता है। तो मैं ज़्यादा बोलता हूँ, बकबक करता हूँ। बकबक नहीं करता, लेकिन घर में डोलता तो रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो इसका पता ही नहीं होता घर में कहाँ, बाहर के कमरे में बैठी पढ़ती रहती है, पढ़ाती रहती है, गुंज है। किसी काम को कह दो तो उसे कर देती है बस, फट देसी। अरे वो भूख लग रही है, रस का के चाय लिखा नहीं, रोटी बना देती हूँ, सब्जी तैयार है, आटा मंडा रखा है, क्या बनाया था, आलू मटर टमाटर है, फिर आलू, फिर आलू चटपटे बनाए बढ़िया, और फिर आलू सब में आलू डलता है, फिर आलू, आलू की शादी सबसे हुई, आलू टमाटर, आलू मूली, आलू गोभी है, आलू आलू गाजर। तो रानी कौन है? जय श्री श्याम दोस्तों, वेलकम टू द न्यू व्लॉग इन लाइफस्टाइल विद यश। यार सुबह हो गई है, उठ गया हूँ मैं, और भाई सुबह से दो बार मैं वीडियो एक्सपोर्ट कर चुका हूँ, बार बार वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही है, कैंसिलेशन हो रहा है, क्योंकि स्पेस कम है शायद, या पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम है बहुत सारा, क्योंकि मैं भी आया हूँ दर्शन करके, और बहुत सारी क्लिप्स, बहुत सारी वीडियोज़ मेरे पास है इकट्ठी हुई पड़ी हैं, तो मैं वही स्पेस मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि यार अभी ना क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं ना लैपटॉप से एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लैपटॉप से एडिटिंग ना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अभी मैं आईफोन से एडिटिंग कर रहा हूँ VN ऐप से, तो उसमें क्या है कि मैं क्या करता हूँ, मैं उठते बैठते खाते पीते एडिटिंग कर सकता हूँ कभी भी, तो वो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ना ईजी है, तो इसलिए मैं लैपटॉप से नहीं कर रहा हूँ। अगर लैपटॉप से मैं एडिटिंग करने बैठूँगा तो ऑब्वियसली मेरे को आसानी होगी, और मैं, मेरे पास ज़्यादा स्पेस होगा, ठीक है, क्योंकि आई थिंक 1 TB स्पेस है लैपटॉप का, तो वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी होगा। लेकिन मैं क्या बताऊँ, मैं फ़ोन से एडिटिंग कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। एक सेकेंड, आई एम गेटिंग कॉल फ्रॉम समवन, मिलते हैं आपसे। हाँ जी, इट्स टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। तो भूख लग रही थी, मम्मी से पूछा मम्मी क्या बनाया, बोल भी कुछ नहीं बनाया, एक काम कर समोसे लिया, तो हमें तो यार बहाना चाहिए, ले आए समोसे। तो बस अब समोसे आ गए हैं, दीदी जाओ प्लेट में ले आओ समोसे, खाते हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ समोसे, और फिर मिलते हैं, बाय बाय गाइस। तो भाई मैं ना बहुत दिनों से ना ये सोच रहा था कि हमें एक वो ग्राइंडर चाहिए मुझे कॉफ़ी बनाने के लिए, तो मुझे कोल्ड कॉफ़ी बनानी थी, और वो आता ना छोटे वाला ग्राइंडर, सिंगल ग्राइंडर, तो मैं अभी जाके शॉप से लेके आया हूँ। वैसे मेडिंग चाइना है, शॉप वाला इतना बुरा इंसान था कि 5 मिनट की भी गारंटी नहीं था, मैंने कहा घर जाके सेल डाल के तो चेक करने थे, कह रहा नहीं नहीं यहीं करो यहीं करो, फिर मैंने बोला ठीक है यार तू पैसे ले ले, जो होगा देखा जाएगा, तो मैं ले आया हूँ। ये छोटा सा ग्राइंडर है, 100 रुपीज़ का मिला है, बाकी इसमें ये वाले सेल डालेंगे, ड्यूरासेल के सेल मेरे पास ऑलरेडी है, इसको अनबॉक्स करते हैं। यार से ऐसे हो जाता है अनबॉक्स, तो गाइस हमारे पास दोनों सेल आ गए हैं, चेक डाल के चेक करते हैं। तो गाइस मुझे इसमें बैटरी सारी इंस्टॉल करने में ना बहुत मेहनत लग रही थी, समझ नहीं आ रहा कैसे डलेगा, फाइनल डल गया, ये देखो कैसे चलता है। मुझे लग रहा है हम लोग इसे यूज़ कम करेंगे, खेलेंगे ज़्यादा इससे, तो इससे वही अपना कॉफ़ी आप ग्राइंड कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, ब्लेंडर है, ग्राइंडर है, ठीक है। तो गाइस ये है नाश्ते का समय, और मम्मी बना रही हैं, क्या बना रही है मम्मी? ब्रेड पकौड़े, नाइस। प्याज भी डालिए, आलू के हैं, हर वक्त प्याज मंगल है, आज मंगल है, ओ मंगल भगवान विष्णु। चलो ठीक है गाइस, हम लोग खाते हैं ब्रेड पकौड़े नाश्ते में, पेट भरते हैं, और इस फूले हुए पेट को और फुलाकर मिलते हैं आपसे खाने के बाद, बाय बाय। तो गाइस अब शाम का टाइम हो रहा है, हमें लग रही है भूख, तो रिया दीदी को बोला मैगी बनाने के लिए, रिया बना दी मैगी।
मैगी पूरी दुनिया की भूख मिटाती है। उसी रेसिपी से बना रहे हैं जो मैंने सिखाई थी। तो गाइस मतलब मैं तो खैर बहुत अच्छा शेफ ही हूँ, मैं तो बहुत अच्छी मैगी बनाता हूँ, तो मैंने जो सिखाई है उसी मैगी से तू की रेसिपी से बना रही है, तो बनाने तो क्या ही कर सकते हैं। क्या बोला तूने? अच्छी मैगी बनाई हो। तो गाइस मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, और दिन में मम्मी ने बनाए थे ब्रेड पकौड़े, लेकिन भूख लग रही थी, क्या करूँ, कुछ खाने को है नहीं। ये लोग पता नहीं अब जाएंगे बाज़ार सब्जियाँ लाएंगे फिर बनाएंगे, तो मैंने बोला भैया अभी कर लो। तो बोली क्या खाओगे? मेरे बोला मैगी। तो मैगी ईस्ट ओ वेस्ट, मैगी इज़ द बेस्ट, कुछ भी हो मैगी खाऊंगा मैं तो। लोग कहते हैं उनकी बहनें उन्हें बना के नहीं देती हैं मैगी, उन्हें गिड़गिड़ाना पड़ता है। कितनी अच्छी बहन मिली आपको। किसकी बहन को गिड़गिड़ाना पड़ता है? किसकी बहन को गिड़गिड़ाना पड़ता है? अरे लोगों का। अबे लोगों की बहनें इतना अच्छी अच्छी डिश बना के देती हैं, तो फिर भी मैगी बना रही है। अबे कुछ केक बना, डिश बना, सूजी बना, कहते हैं सुशी बना, अब इतनी चीजें हैं, तो मैगी बना रही है भैया। लोगों की बहनें इतना मस्त मस्त खाना बना के देती हैं। एक आवाज में बना के दे रही हूं, उसका कोई क्रेडिट नहीं है। है क्रेडिट है, छोड़ दूं क्या? गजब बेइज्जती है। देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। अच्छा हमने एक सरप्राइज व्लॉग बनाया था मम्मी, वो देख रहे हैं। तुम्हें पता है मम्मी इस व्लॉग के बारे में? नहीं पता। ये अभी शाम को 6 बजे डाला है। तो गाइस मैंने सोचा है कि मतलब कुछ भी नहीं सोचा, कल रियो और मैं ऐसी मस्ती कर रहे थे, तो मैंने हमारी मस्ती रिकॉर्ड कर ली। तो फिर मैंने सोचा कि हमारा जो व्लॉग है वो 11 बजे तो आता ही है, और शाम को 5 या 6 बजे कभी भी अगर मूड होगा तो एक काइंड ऑफ सरप्राइज व्लॉग होगा, वो मैं अपलोड कर दिया करूँगा ऐसे। मतलब कुछ कोई प्लानिंग व्लॉगिंग तो ऐसी नहीं होती, व्लॉगिंग व्लॉग ही होता है। तो मतलब 11 बजे हमारा मेन व्लॉग टाइम है, 11 बजे तो व्लॉग आना ही आना है, लेकिन 5 बजे या 6 बजे शाम को इस टाइम के बीच में कभी भी व्लॉग आ सकता है, वीक में एक बार दो बार, वीक में 5-6 बार भी, तो वो हमें नहीं पता। तो इट्स काइंड ऑफ सरप्राइज व्लॉग, तो उसको आप इन्जॉय करो, वो कुछ नहीं, वो तो हमारी नॉर्मल चिट चैट मस्ती होगी, और मैं उसको ऐसे अपलोड कर दूँगा। आपको अच्छी लगेगी तो आप उसे शेयर करना। मैगी जल गई, मैगी खराब हो गई मेरी, वो तो मैगी को छोड़ के वहां जाके टीवी देख रही है। मैगी बना रही है मैगी। ये कैसी मैगी बन रही है, और ये क्या तरीका मैगी बनाने का? इधर बन जाएगी मैगी। देखो मैगी का पैकेट पे लिखा रहता है कि 2 मिनट में बन जाती है, पर आज तक मैंने नहीं देखा कि मैगी 2 मिनट में बनी। ये तो सब जानते हैं, ये तो राज राज ही रह गया, मैगी कभी 2 मिनट में बनी। चलो फटाफट मैगी बनाओ और बना के मेरे टेबल पे ले आना, हम वेटिंग। तो भाई मुझे खुशबू तो आने लगी है मैगी की, लगता है मैगी अच्छी बन रही है। मैं बनाऊंगी तो अच्छी बनेगी ऑब्वियसली। ये मेरे चरण कमल है जो रसोई में पड़ती है, खाने का स्वाद बदल जाता है, तो मैगी बन रही है बहुत टेस्टी। और मैं मैगी फिश के बिना अधूरी है, लेकिन मौसम खराब हो रहा है तो मैं फिश को भी अवॉइड ही करूंगा, मैं नहीं पीऊंगा। गाइस वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर, कि इन्होंने कल कमिटमेंट किया है कि बाहर का खाना आपसे नहीं खाएंगे। तो कहाँ खा रहा हूँ? सो लेट्स सी ये कमिटमेंट कितने दिन चलता है, ये शेयर करना जरूरी है। बाहर का खाना नहीं खाऊंगा, बाहर खाने में क्या आता है, जंक फूड, मतलब चाउमीन, चिली पोटैटो, ये सब चीज़ें, पिज्जा विज्जा भी नहीं, कुछ दिन अवॉइड करूंगा। लेकिन मैगी तो अपने घर की बात है, तो घर का ही खाना है, मैगी हो गए, छोटी छोटी कुछ चीज़ें। कमिटमेंट था कि मैं अब से जंक फूड खाऊंगा, आधे का जिंदगी भर नहीं खाऊंगा। कितने दिन चलेगा कमिटमेंट? हाँ तो कमिटमेंट है कि नहीं खाऊंगा, क्योंकि सब मुझको बोल रहे हैं कि मैं मोटा होता जा रहा हूँ, बल्कि होता जा रहा हूँ, तो कुछ दिन तक मैं कंट्रोल करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं कसम खाली के खाऊंगा ही नहीं जीवन में, मेरे को दुश्मन नहीं है। हद से हद जब तक ये वर्क फ्रॉम होम पर है अपने फ्रैक्चर की वजह से, तब तक ही वो कमिटमेंट चलेगा, उसके बाद वो कमिटमेंट खत्म है। एक महीना कंट्रोल करना है बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जेप्टो जोमेटो स्विगी और ये यूट्यूबर के दिखा दे एक महीना। हां मैं तो पता नहीं कब से नहीं छोड़ रखा है वो मैं। हां जोक ऑफ द डे। मैं बाहर कहां जाती हूं? हाँ, वो अलग बात है कि कुछ दिन पहले मैंने बर्गर खाया। ये भी कॉलेज नहीं जा रही है तो ही नहीं खा रही है, कॉलेज जाके ये भी डेली खाती है, कभी कचौड़ी, कभी कुछ, कभी मोमोज, कभी ये वो, इसका भी पूरा चलता है भाई। अरे मैंने बनाई भाई, अच्छी बनी होगी, सूखी सूखी है थोड़ा, और उसको बनाओ, बड़े बाउल में डाल के देना। मेरी मैगी बन के हो गई है तैयार, अब बस मैं इसको खाने के लिए और ज्यादा उत्सुक हो रहा हूँ। गाइज एक बात मुझे डिस्कस करनी है, कि जो भी इन्होंने बात करी मोटापे की, इनका मोटापा बढ़ रहा है, ये बल्गी हो रहे हैं, और इनको लग रहा है कि इनको वजन लूज करना चाहिए, तो आप ये कमेंट करके बताएं कि मैदा वजन घटाती है या बढ़ाती है। मैगी तो घर की बात है, अब ठंडी हो जाएगी, मुझे बहुत पसंद है दीवार। अभी मजा आएगा ना बिड़ू कंटेंट के लिए। एंड हियर इज मैगी।
मैगी 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 शुक्रिया मैगी देने के लिए। मुझे तो गाइस गरम गरम मैगी पसंद है, तो मैं टेस्ट करके बताता हूँ कि रिया ने कैसी मैगी बनाई है। नाइस, जबरदस्त है ना। ओह गाइस मेरी मैगी हो गई तैयार, मैं खा रहा हूँ, आप भी जाओ मैगी बनाओ और खाओ, बाय बाय। हाँ तो गाइज मैं इधर अपने चैनल को यहीं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या एनालिटिक्स हैं, क्या आप लोग कितना प्यार दे रहे हो नहीं दे रहे हो। इतने में हमारी रिया दीदी आ जाती हैं चावल लेके खाने। हे गाइज इट्स अ मैसेज टू यू कि ये आदमी जिसने अ मैसेज टू यू की वीडियो बनाई थी ये अभी भी डिपेंडेंट है, इन पे अपनी दवाइयाँ समय पे नहीं ली जाती हैं। और ये बोल रहे थे कि अब हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम अपना काम खुद करेंगे, समय से करेंगे, मैं अपनी आदत बदलूंगा। ये आदत बदली जा रही है, ये देखो। ओके गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग द व्लॉग। यार व्लॉग बनाने के बाद जब मैं एडिट कर रहा था, जब मुझे याद आया कि पूरे दिन हमने खाने में निकाल दिया, पहले हमने समोसे खाए, ब्रेड पकौड़े, मैगी, चाव, क्या बताऊँ यार मुझे खुद भी नहीं पता। तो बस क्या था, क्योंकि मैं आया था घूम के, पूरे दिन सोता रहा, खाता रहा, ये सब चलता रहा, तो प्लीज़ यार आप लोग हंसना मत और कमेंट करके बताना आपको व्लॉग कैसा लगा। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय श्री श्याम, बाय।